हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सुमन, आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। दोस्तों, रेडमी अगर किसी भी एक स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च करता है तो उसको कड़ी से कड़ी टक्कर देने के लिए रियलमी भी उसका स्मार्टफोन लॉन्च करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रेडमी उसका नोट 7 लॉन्च किया, उसको टक्कर देने के लिए रियलमी उसका 3 लॉन्च किया। रेडमी नोट 7 प्रो लॉन्च किया, उसको टक्कर देने के लिए रियलमी उसका रियलमी 3 प्रो लॉन्च किया। अभी बहुत ही जल्द रेडमी K20 इंडिया में आ रहा है और उसको टक्कर देने के लिए रियलमी किसी भी स्मार्टफोन ना लॉन्च करे ये नामुमकिन है। इसीलिए बहुत ही जल्द रियलमी एक्स इंडिया में आ रहा है, जो कि चाइना में कुछ दिन पहले रियलमी एक्स के नाम से लॉन्च हुआ था। सिर्फ इंडिया में आएगा अलग नाम से, एक्स के बाद वन बैठ जाएगा रियलमी एक्स वन के नाम से। बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। और जो स्पेसिफिकेशन के साथ रियलमी एक्स चाइना में लॉन्च हुआ था, अलग स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में आएगा। सब कुछ बताऊंगा, इंडिया में कब लॉन्च होगा, किस प्राइस के साथ आएगा, सारे स्पेसिफिकेशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे। और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रोसेसर के बारे में, जिसके ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। आप सभी लोग जानते हो, अभी हर जगह पबजी चल रहा है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए ना। इसीलिए रियलमी एक्स में आपको देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, काफी पावरफुल चिपसेट है, जो कि आपको रेडमी के 20 में देखने को मिलता है। इसका जो जीपीयू है एड्रिनो 618 जीपीयू, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस तगड़ा मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। और यहाँ पे पबजी एस्पोलेट स्मूथली चलेगा। यह पबजी से भी कोई अगर हाई क्वालिटी गेम है, हाई ग्राफिक्स वाला गेम है, तो वो भी अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो काफी पावरफुल है। बात करते हैं कैमरास के बारे में। दोस्तों, Realme India हेड माधव सेठ ट्विटर के ऊपर बहुत पोस्ट कर रहा है, बहुत ट्वीट कर रहा है 64 मेगापिक्सल के बारे में, और उसके साइड में भी एक पिक्चर रखा है 48 मेगापिक्सल Redmi K20 का। वो नहीं दिखा रहा है, जो लाइन है, जो नेम है, उसको हाइड किया गया है और उसके बाजू को 64 एंड 48 का कंपैरिजन कर रहा है। आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्विस्ट ए नहीं है, ट्विस्ट और एक है, मैं आपको बताता हूँ। माधव सेठ का जो नाम है वो पहले ट्विटर में था माधव सेठ, उसके बाद आया माधव 5G, अभी आ गया है माधव एक्स। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। तो हिंट्स ऐसा आ रहा है कि रियलमी एक्स वन या रियलमी एक्स जो भी स्मार्टफोन आएगा, उनमें आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट कर रहा है माधव से ट्विटर के ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। और बैक साइड की तरफ ऐसा भी हिंट्स आ रहा है के ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जो प्राइमरी सेंसर वो 64 मेगापिक्सल हो सकता है, और जो सेकेंडरी थर्ड सेंसर है वो अभी तक मुझे नहीं पता, ऐसे भी लीक्स एंड रूमर्स नहीं आया है सेकेंडरी एंड थर्ड सेंसर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है 12+2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे आपको 25 मेगापिक्सल का पॉप अप सेल्फी कैमरा मिलेगा, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलेगा वो फुल व्यू मिलेगा, और इसका सेल्फी कैमरा भी जबरदस्त होगा। ऐसे भी इंडिया में आने दो, मैं खुद कैमरा टेस्ट करूंगा, कैमरा रिव्यू करूंगा, अनबॉक्सिंग करूंगा, सब कुछ करूंगा, उसके साथ धमाकेदार गिवअवे भी आ रहा है, तो जरूर इंतजार करना। अब लोग समझ गए होंगे। ऐसे भी बात करते हैं इसका बैटरी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी पावरफुल है। ट्विस्ट यहाँ पे नहीं है, ट्विस्ट और एक जगह है कि आउट ऑफ बॉक्स आपको सुपर वुक चार्जिंग सपोर्टेड मिलेगा, आउट ऑफ बॉक्स 20 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा, टाइप सी भी देगा,
और क्या उम्मीद रखते हो, डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका डिजाइन के बारे में। दोस्तों बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट मिलेगा, लेकिन गाइस ग्लास जैसा फील देगा, एक प्रीमियम लुक देता है। आप यहां पे पिक्चर देख सकते हो, ड्यूअल टोन कलर भी देखने को मिलता है बैक साइड की तरफ। एंड फ्रंट साइड में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, ना ही कोई नॉच होगा, ना ही तो कोई पंचल होगा, और यहाँ पे बिल्कुल बेजालेस डिस्प्ले होगा, फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो पॉपअप है, और यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। जो सारे लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पसंद आता है, उन लोगों को ये फोन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। आउट ऑफ बॉक्स स्पाई अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दो वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जो कि 4GB एंड 64GB एंड 6GB 128GB। दोस्तों आप बात करते हैं प्राइस के बारे में, बहुत सारे लोग इसके लिए इंतजार कर रहा है। दोस्तों इसका जो 4GB 64GB वो आपको 16 या 17,000 रुपीस के आसपास मिलेगा। दोस्तों एक बात ख्याल रखना, ये फोन आ रहा है Redmi K20 को कड़ी से कड़ी टक्कर देने के लिए, तो उसका जो प्राइस होगा वो भी काफी एग्रेसिव रखेगा Realme, क्योंकि Realme नया ब्रांड है तो अच्छा खासा बिकना चाहिए, और अच्छा खासा बिकने के लिए प्राइस भी कम रखना पड़ेगा। तो इसका प्राइस 17,000 रुपीस के आसपास हो सकता है, और जो 128GB वो आपको देखने को मिल सकता है 20,000 रुपीस के आसपास। दोस्तों आप बात करते हैं इंडिया में कब लॉन्च होगा। दोस्तों 15 जुलाई या 20 जुलाई को Redmi K20 इंडिया में लॉन्च हो रहा है, क्योंकि 15 जुलाई को Redmi का जो 5 एनिवर्सरी है वो समाप्त हो रहा है, उसीलिए 15 या 20 जुलाई को K20 मिलेगा। तो उस टाइम यानी कि जुलाई के महीने में आपको Realme X भी देखने को मिल जाएगा। शायद हो सकता है 15 जुलाई के आगे, या तो हो सकता है 20 जुलाई के आसपास, लेकिन 20 जुलाई के आगे आपको Realme X इंडिया में देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरी तरफ से कॉन्फर्म्ड है। आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिखना मत। तो गाइस जुलाई के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा Realme X इंडिया में। तो गाइस ये था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ऐसे भी आप कमेंट करके बताओ क्या आप Realme X के लिए एक्साइटेड हो, क्या आप ये फोन बाय करोगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने जैसे कि बोला धमाकेदार गिवअवे आ रहा है, जरूर इंतजार करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड उसके साथ शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।